वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं सिंपल और इजी पुलाव की रेसिपी एकदम सरल तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक बर्तन में तेल गरम कर लेना है और पुलाव के लिए हमेशा तेल थोड़ा ज़्यादा लें। और सबसे पहले हमने इसमें जीरा ऐड कर दिया और हम बहुत सिंपल वे से बना रहे हैं। और इसमें दो छोटे प्याज कटे हुए ऐड कर दिया है और इसमें थोड़ा सा हम नमक भी ऐड कर देंगे और ये करी पत्ते। अच्छे से मिला लें। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इसी वक्त हम थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे ताकि हमारे प्याज जल्दी से गोल्डन हो जाए और जले भी ना। हम बहुत सिंपल तरीके से पुलाव बना रहे हैं आज, एकदम खिले खिले दाने बनेंगे। ये देखिए हमारे प्याज अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो टेम्परेचर है थोड़ा, और जो हमारे प्याज जो ज़्यादा कुक ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा। और ये देखिए, और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब माय चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर दें। और मैंने चावल को ज़्यादा देर भिंगा के रखा नहीं था, जब तक मैं प्याज को गोल्डन कर रही थी सिर्फ उसी वक्त मैंने चावल को फुला के रखा था, ज़्यादा देर नहीं फुला के रखा। ये देखिए मैंने इसमें चावल ऐड कर दिया, एक करीब एक गिलास के तकरीबन चावल है, इसको मैंने ऐड कर दिया। और आपको और रेसिपी देखना हो जैसे नॉन वेज या और भी कोई सब्जियों की रेसिपी, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये हमने चावल ऐड कर दिया, अब हम इसको धीरे धीरे मिला लें ताकि हमारे चावल टूटे ना, क्योंकि हमने चावल को 5 से 10 मिनट हमारी जब तक प्याज हो रही थी जब तक हमने इसको पानी में भूंगो कर रखा था। अच्छे से मिला लें आराम से ताकि चावल ना टूटे। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और चावल को अच्छे से मिला लें जब तक मिला, जब तक इसका पानी जो चावल के साथ जो पानी होता है वो शुष्क हो जाए, एकदम सूख जाए, थोड़ा ऑयल दिखने लगे। ये देखिए हमारे चावल अच्छे से मिल गए हैं। और हल्के हल्के थोड़े से चिपकने भी लगे हैं नीचे से, इसका मतलब हमारे चावल का जो पानी है वो सूख चुका है। और इसमें हमने करीब 2 गिलास के करीब पानी डाला है, क्योंकि हमारे चावल 1 गिलास था तो हमने सिर्फ 2 गिलास पानी लिया। और इसको भी अच्छे से मिला लें। हो सके तो आप गर्म पानी ही मिलाएं, इससे टेम्परेचर भी बना रहेगा और आपके चावल भी जल्दी कुक होंगे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। हल्के से इसको मिला लें। इसमें हमने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है, सिंपल एकदम सिंपल पुलाव, एकदम सिंपल तरीके से जल्दी कुक होने वाला। अब हमारे पानी में ये देखिए उबाल आने लगा है, अब इस वक्त हम इसको कवर कर देंगे जब तक ये इसका पानी सूख ना जाए।
ये देखिए, इसको थोड़ी देर बाद मैंने 5-10 मिनट बाद ओपन किया, पर अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है। मैं इसको सिर्फ ऊपर नीचे थोड़ा हल्का सा मिला लेती हूँ ताकि हमारे चावल अच्छे से मिल जाए। और इसको हमने फिर ढक दिया। 5-10 मिनट बाद हमारे चावल एकदम बन के तैयार हैं। ये देखिए, एकदम खिले खिले चावल बने हैं। ये देखिए, बिल्कुल चिपके नहीं हैं आपस में। जब भी आप पुलाव बनाएं तेल थोड़ा ज़्यादा रखें बस, और थोड़ा पानी का भी ख्याल रखें, इससे हमारे चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। ये देखिए हमारे चावल, हमारा पुलाव एकदम बन के तैयार है। आप इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके पास से, ये बन के एकदम तैयार है। ये देखिए हमारे चावल, खिले खिले एकदम चावल बने हैं। हमारा पुलाव बन के एकदम तैयार है। आप इसको किसी भी सब्जी, किसी भी नॉन वेज या किसी भी दाल के साथ खा सकते हैं और एंजॉय करें। और वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब माय चैनल। और थैंक यू वीडियो एंड तक देखने के लिए। टेक केयर।